गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज हम लोग जा रहे हैं अपने फूफो के घर, उन लोगों के घर है हमारी दावत, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर से। अभी हम लोग पहुंच गए और हम सारे बच्चा पार्टी ने ना खेलना शुरू कर दिया। उन लोगों की बच्चों के लिए स्विमिंग पूल था ना, उसके अंदर हम लोग जा रहे थे। फातिमा, हुरैन और अयान वहाँ खेल रहे हैं और मैं बाहर सैड सा मुंह बनाकर खड़ा हुआ हूँ। फूफो वालों के बहुत सारे एनिमल्स हैं तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और अभी अयान और मैं मोर का बच्चा पकड़ रहे हैं और पीछे से काले बादल भी आ रहे हैं, लगता है कि बारिश हो जाएगी, लेकिन एक साइड से धूप है और एक साइड से काले बादल हैं। और ये देखें अयान कैसे भाग रहा है पीछे, मुकाबला बहुत सख्त है और ये मैं भागा और ये मोर की टीम जीत गई और हम लोग हो गए नाकाम। और अभी हम लोग डक को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं और इसमें भी पक्का नाकाम ही होंगे। ये देखें कैसे चल रही है, भागो भागो पकड़ो, ये देखें कैसे भाग रही है मुंह खोल खोल के, पैक 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 पाक पाक कैसे करते करते। और ये लोग इधर बहुत सारे पेट्स हैं, एनिमल्स हैं। और ये डक्स का स्विमिंग पूल है और डक्स वहाँ कहीं घूम रही थी, वो लड़ मग डक तो इसको मार रही है। ये अभी ड्राई हो गया, इसके अंदर अभी पानी डालेंगे फिर ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये फातिमा घूम रही है, हाय भैया। और अभी मैं आपको डक दिखाता हूँ, भाग के क्या, ये देखिए इनके पास चिकन्स भी है, मुर्गियाँ देखो। ये डक काटती भी है, मैक डक इसको बोलते हैं, मग डक होता है पर मैक डक कहते हैं। और अभी इन लोगों ने हमारे लिए बर्गर्स मंगवाए हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। और ये है फूफो की बेटी जिसका नाम है रुहमा, और मैंने आपको स्टॉर्म ब्रेकर वाली वीडियो में भी इसकी न्यू बॉर्न वाली तस्वीर दिखाई थी। और अभी ये है इन लोगों की बकरी, इन लोगों के पास गीज भी हैं। ये देखें राइट वाले मोर के बच्चे हैं और लेफ्ट वाले ऑस्ट्रिच के बच्चे हैं, देखें कितने क्यूट हैं। ये देखिए अभी गीज गर्दन सीधी करके हमें काटने के लिए आ रहे हैं, बल्कि नहीं वो अपना खाना ढूंढ रहे हैं। और ये देखें ये मैग डक को, मैग होता है मग होता है मुझे अभी तक नहीं पता चला, अगर इसको इन लोगों ने काट लिया ना, वैसे वो भी काटता है, अगर इन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को काट दिया ना, वो लोग बचेंगे नहीं। ये देखें अभी गीज पानी पी रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं ना, लेकिन ये क्यूट लगते हैं बस, लेकिन ये क्यूट होते नहीं हैं। अब दिखाता हूँ आपको मैलेट डक,
देखिए इनको बंद करने के लिए ये लगाया हुआ है पूरा, ये पूरा सिस्टम इनको बंद करने के लिए लगाया हुआ है। हम पप्पो की बेटी के लिए गिफ्ट्स भी लेकर गए थे और जो हम लोग ने अभी दिए हैं। इस साल पे सारे जानवर होते हैं तो वो अभी गए हुए हैं बाहर, और वो जब आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। और वो काटने वाली बत्तख भी है, मतलब कि डक्स, वो बाहर भी हुई है अभी। और ये हुरैन और फातिमा, भाई अबू जरा गए, और ये हुरैन और फातिमा पता नहीं यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये देखिए इतना बड़ा सा घर हमारी फूफो का है, और मुझे तो अपनी फूफो के घर बहुत मज़ा आता है। आप बताएं कि अगर आप यहाँ आएँ तो आपको यहाँ मज़ा आएगा या नहीं आएगा? आपको भी ज़रूर आएगा। ये देखें वॉशरूम के गेट के बाहर जो हम लोग खड़े हुए हैं ना, ये हम लोग मोर के बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। वो अगर आए ना तो उसको पिंजरे जैसे डराएंगे, वो वॉशरूम में जाएगा, दरवाज़ा बंद करेंगे, फिर एक बच्चा अंदर जाएगा और हम लोग पकड़ लेंगे। लेकिन हम लोग उसमें भी, जैसा कि आपको पता है हम लोग इसमें क्या हुए होंगे, कामयाब या नाकाम? आपको पता है हम लोग इसमें हो गए होंगे का नाकाम, कामयाब नहीं नाकाम। देखिए अब मोर का बच्चा हाथ में नहीं आया, हम सब की शक्लें देखें अब कैसे, मुझे देखिए मैं कैसे ढूंढ रहा हूँ मोर के बच्चे को। फातिमा को देखिए, अयान को देखिए, फातिमा को देखिए कैसे देख रही है मोर के बच्चे को, और अयान भी, अयान भी वो देखिए ये क्या किया मैंने। अच्छा मुझे अभी तक याद नहीं है क्योंकि, अच्छा ये एडिटिंग के टाइम हम लोग अभी कराची में बैठे हुए हैं, गाँव में नहीं है अभी हम लोग, कराची में, तो अभी तक मुझे भूल चुका है मैंने यहाँ बोला क्या था। देखिए हम लोग नाकाम होने के बाद चल रहे कैसे हैं, मुर्गी के पीछे जा रहे हैं अभी हम लोग। और यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। अब फिर से हम लोग बच्चों को पकड़ने की नाकाम कोशिश करते हुए, और जैसा कि आपको पता है इसमें भी हम लोग नाकाम ही हुए होंगे, कोई हम लोगों को कामयाबी नहीं मिली इसमें, हम लोग हमेशा ही नाकाम हुए हैं। ये 4000 का है क्या? 9000 का। ये ऑस्ट्रिच का बच्चा, ऑस्ट्रिच का बच्चा, मोर का बच्चा ये है, ये पीकॉक का बच्चा है। ये देखें मुर्गियों का घर है और इसके अंदर मुर्गे छुपे हुए हैं, वो देखें सबसे डर कर यहाँ पर छुपे हुए हैं। कह रहे हैं हमें तो किसी के पास जाना ही नहीं है ना, हम तो अपने घर में ही बैठे रहेंगे बिल्कुल इंसानों की तरह, इंसान भी अपने घर से बाहर नहीं निकलते, अपने घर में ही बैठे रहते हैं। और ये देखें फातिमा, ये क्या मुंह खोल रही थी।